दोस्तों इस बॉक्स को मैंने ऑर्डर किया है Redmi कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से और इसके अंदर एक 5G स्मार्टफोन है जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाओगे तो सबसे पहले तो आप बॉक्स पैकिंग को चेक कर लीजिए, उसके बाद वीडियो बनाइए और सामने ही ओपन करें। तो हम भी यही करते हैं दोस्तों और देखते हैं इसके अंदर हमें स्मार्टफोन मिलता है या नहीं मिलता है या फिर स्कैम हो जाएगा, क्योंकि आजकल कई हो जाते हैं दोस्तों, तो गलती कभी ना करें हमेशा। अरे ये निकल गया हमारा स्मार्टफोन बॉक्स के अंदर, रेड कलर का ये बॉक्स है। इसके साथ हमें मिला है एक बिल, बिल का अमाउंट है 16,999 रुपए। तो ये है Redmi Note 13 5G। दोस्तों ये हमारे पास है बेस वेरिएंट जिसमें आपको मिलती है 6GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज और ये मिलेगा आपको 17,999 रुपए। और इसका जो मिड वेरिएंट है वो 8GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपए का और हाई वेरिएंट इसका 12GB रैम, 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 21,999 रुपए का मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल पर तो 16,999 रुपए लिखा हुआ था, तो दोस्तों बैंक ऑफर का अगर आप यूज करते हो तो आपको 1,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है। बाकी व्हाइट फॉन्ट में यहाँ पर मॉडल नेम को मेंशन किया है, ऊपर है मेड इन इंडिया MI की ब्रांडिंग और नीचे मॉडल नेम 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है दोस्तों, और काफी थिन बेजल आपको इस फोन में देखने को मिलेंगे, अभी आगे देखेंगे। और बैक साइड में देखें बॉक्स के तो यहाँ पर हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले, 7.6 mm की थिकनेस, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, 5G रेडी फोन है, 20GB तक आप इसकी रैम को ले जा सकते हैं, 33 वॉट का सुपर फास्ट टर्बो चार्जर मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी फोन में दिया गया है। 3 कलर वेरिएंट में मिलेगा दोस्तों, ये व्हाइट, गोल्ड और ब्लैक कलर, जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आए आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं, तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर हमें एक मिनी बॉक्स जो कि रेड कलर का है जिस पर Redmi की ब्रांडिंग की गई है, इस बॉक्स को ओपन करके देखें तो सिम इजेक्टर पिन और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, अरे वाह कवर आपको इसके साथ मिल जाता है वो भी यूनिक टाइप का। वाह क्या फिनिशिंग इस कवर पर देखने को मिलती है, Redmi की ब्रांडिंग भी चमचमाती नजर आ रही है, तो एक अच्छा सॉफ्ट कवर फ्री में मिल रहा है दोस्तों, तो कंपनी को देना चाहिए हर मोबाइल के साथ कवर को फ्री। इसके बाद रखा हुआ है स्मार्टफोन, बहुत ही पतला है दोस्तों, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं। तो यहां मिलेगी आपको एक मोटी सी USB केबल जो है Type-A to Type-C, लेंथ और क्वालिटी केबल की मुझे बढ़िया लगी। इसके बाद जो चार्जर अडाप्टर है वो काफी हैवी है और ये 33 वॉट का टर्बो चार्जर है जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। चलिए इस पैकिंग से अब स्मार्टफोन को करते हैं आजाद, बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन। आपको जो फर्स्ट फीलिंग आएगी स्मार्टफोन पर वो आपको यहाँ पर काफी स्लिम लगेगा और लाइट वेट लगेगा ये हाथ में दोस्तों, काफी कमाल का लग रहा है। फ्रंट लुक देखिए और ये जो बॉर्डर व्हाइट कलर के दिख रहे हैं ये फोन की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। 5-inch डिस्प्ले, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड है, हाथ में अच्छे से कैरी कर सकते हैं। बैक पैनल देखिए दोस्तों, व्हाइट कलर में हमने इसे ऑर्डर किया था और ये काफी कमाल का लगा दोस्तों, क्या कमाल की यहाँ पर मार्बल टाइप की फिनिशिंग लग रही है दोस्तों, चमचमाती लाइट का रिफ्लेक्शन देखिए, वाओ बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग। आप चाहो तो इसका गोल्ड कलर वेरिएंट भी परचेज कर सकते हो, लेकिन मुझे पसंद आया व्हाइट कलर तो मैंने व्हाइट को ही ऑर्डर किया। Redmi 5G की ब्रांडिंग की गई है, कैमरा मॉड्यूल भी काफी कमाल का, पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैमरा का फ्रेम है वो थोड़ा सा उठा हुआ, लेंस भी हल्के उठे हुए आपको नजर आएंगे, दो बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस और एक छोटा सा लेंस दिया गया है। यहाँ आपको मेन प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में जो पंच होल है दोस्तों इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोबाइल के बेजल्स देखिए दोस्तों, बिल्कुल थिन बेजल्स आपको मिलते हैं, बहुत ही कम, जिस वजह से इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आता है 93.3% का। आजकल Redmi के ज्यादातर स्मार्टफोन में हमने देखा दोस्तों वाईफाई पहले से ही कनेक्ट करना पड़ता है, चलिए हम भी इस पर वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो जल्दी से पूरा हो जाए। मोबाइल के चारों कोने हैं राउंडेड और साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर अटैच्ड मिलता है, ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के
लिए प्लस IR ब्लास्टर और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। मोबाइल के लेफ्ट साइड में सिम ट्रे नजर आ रही है जिसे हम ओपन करेंगे दोस्तों, और यहाँ देखें तो हाइब्रिड स्लॉट, एक बार में दो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड आप इस पर यूज कर सकते हो, तीनों एक साथ आप यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा स्मार्टफोन तो स्प्लैश प्रूफ भी है दोस्तों, IP54 की रेटिंग मिली हुई है इसे और डस्ट प्रूफ भी है। मोबाइल के बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिए गए हैं। इसमें डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन कंपनियां सर्च इंजन को भी पूछ रही है कि इनमें से आपको कौन सा सर्च इंजन पसंद है, तो पर्सनली मुझे यहाँ पर गूगल ही पसंद आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा सर्च इंजन पसंद आता है या फिर आप यूज करते हो। इसमें आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 395 PPI की मिलती है। साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। मोबाइल की हाइट है 161.11 mm, 74.95 mm की आपको इसमें विड्थ मिलती है और मात्र 7.6 mm की थिकनेस। बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन 174 ग्राम का है दोस्तों, और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। फाइनली सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हमारा जो स्मार्टफोन है बूट हो चुका है। सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस को 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले की ब्राइटनेस और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए कि कितनी ब्राइटनेस यहाँ पर दी गई है। कलर्स तो बहुत बढ़िया आपको मिल जाते हैं और ऊपर से जो ये बेजल लेस डिस्प्ले आपको मिल रही है, चारों कोनों से आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले इसका लग रहा है दोस्तों। 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस स्मार्टफोन में आपको मिलेगी। यहाँ पर आइकन दिए गए हैं, होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर अटकता हुआ दिख रहा होगा, जब आप शुरुआत में नया स्मार्टफोन परचेज करते हो तो थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा प्रोसेस स्लो रहता है दोस्तों, इसलिए ये दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है शुरुआत में। तो दोस्तों यहाँ पर फोल्डर बनाए गए हैं, गेम्स का फोल्डर देखिए, फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भरे पड़े हैं इस स्मार्टफोन में। हालांकि इन अनवांटेड गेम्स को आप फोन से रिमूव कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। साथ ही कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी यहाँ पर दी गई है मोर ऐप के फोल्डर में, इनको भी आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों, और करनी भी चाहिए दोस्तों। जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन फोन में मौजूद रहती है इनको हटा दीजिए, अपनी पसंद की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि दोस्तों इन एप्लीकेशन को ऑलरेडी सारी परमिशन मिली रहती है और बैकग्राउंड में खुद रन करती है, नोटिफिकेशन भेज के आपको तंग करती है। मोबाइल में आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज को नहीं रखा हुआ है, तो हम सीधे 120 हर्ट्ज पर कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको बैटरी को लंबा चलाना हो तब आप 60 हर्ट्ज पर रखिए, अदरवाइज 120 हर्ट्ज का मजा लीजिए। अगर आप लाइट के ही पास रहते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप 120 हर्ट्ज पर इस स्मार्टफोन की स्मूथनेस का आनंद ले सकते हो। टच बहुत स्मूथ और फास्ट आपको इसका मिल जाएगा। चलिए इसकी सेटिंग को ओपन करें, तो सेटिंग का इंटरफेस नॉर्मली सभी Redmi स्मार्टफोन जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ऊपर है अबाउट फोन सेक्शन, इसे ओपन करें तो अपडेट भी आ रखा है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पर अभी अपडेट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। स्टोरेज मीटर देखिए, आपका स्टोरेज जहां जहां यूज हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स इस मीटर के अंदर आपको मिल जाएगी। एंड्रॉयड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन और आने वाले टाइम पर 14 का अपडेट भी आपको मिल ही जाएगा। 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट तो सभी कंपनियां देती है। बाकी इसके डिटेल में चलते हैं तो यहां आपको दिखेगी रैम 6GB प्लस 2GB की वर्चुअल रैम को यहां पर मेंशन किया हुआ है, 2.40GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का चिपसेट आपको इसमें मिलता है जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं, रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 आपको मिल जाता है। एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1TB तक इस फोन में आप बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट में इसके कैमरा पे हम नजर डालेंगे, क्योंकि 108MP का कैमरा है दोस्तों। आने वाले टाइम पर इसका कैमरा का फुल टेस्ट भी हम करेंगे दोस्तों, बस आपका सपोर्ट बना रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें दोस्तों। तो यहां पर हम देखें तो दोस्तों जूमिंग पावर है इसकी पूरा का पूरा 10 गुना तक जूम कर पा रहे हैं हम इस कैमरा से, देख सकते हैं यहाँ पर, और ऊपर से अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो यहाँ पर हम जूम इन के साथ साथ जूम आउट भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एरिया और कैप्चर कर लेता है ये, देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है, नहीं तो आजकल कई कंपनियाँ हैं जो कि महंगे से महंगे स्मार्टफोन में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का सपोर्ट नहीं दे रही हैं, तो यहाँ आपको मिल रहा है। वीडियो मोड में चेक करते हैं दोस्तों कि वीडियो यहाँ पर हम कहाँ तक शूट कर पाएंगे, तो 60fps का, अरे क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको रेजुलेशन में 1080p में 30fps और 720p में
30 FPS का ही ऑप्शन मिलता है। मेरे हिसाब से 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। 18,000 रुपये खर्च कर रहे हैं हम इस स्मार्टफोन में, तो इतना तो कंपनी को देना बनता था दोस्तों। 108 मेगापिक्सल के कैमरा को आप अलग से भी इनेबल कर सकते हैं, और 108 मेगापिक्सल के कैमरा को इनेबल करने के बाद ओनली 2x तक का जूम सपोर्ट करेगा। डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। बाकी फोटो पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, मोर सेटिंग में चेक करें तो यहाँ प्रो, शॉर्ट वीडियो मोड, पैनोरमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और AI वाटर मार्क जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये है इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का। ठीक ठाक सेल्फी कैमरा है, कलरफुल है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल्फी अच्छी ले सकते हैं आप इससे। एक सेल्फी हम यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं और देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये है इससे ली गई सेल्फी जो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन बढ़िया है दोस्तों। अगर ये स्मार्टफोन आपको 17,000 या 17,000 रुपए से कम कीमत में मिलता है तो ये परचेस करने लायक है दोस्तों। आप सोच सकते हैं इसे परचेस करने की। 18,000 रुपए में थोड़ा सा महंगा जरूर लग रहा है दोस्तों। हालांकि इसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 33W का सुपर टर्बो चार्जर दिया गया है, 6GB RAM, 128GB का इंटरनल स्टोरेज, MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट मिलता है, प्लस 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है। तो आपकी चॉइस है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप परचेज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबके जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी।